क्या आपको पता है, एज ऑन 30 नवंबर 2022 19 प्राइवेट सेक्टर बैंक में से 10 अपने 52 वीक हाई प्राइस के आसपास चल रही हैं और 12 पीएसयू बैंक में से 7 अपने 52 वीक हाई प्राइस पे चल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अराउंड 52.63% ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक अपने 52 वीक हाई पे चल रही है और 58.33 पीएसयू बैंक अपने 52 वीक हाई प्राइस पे चल रही है। अब इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इतने ज्यादा बैंक एक साथ अपने 52 वीक हाई प्राइस पे है और इस पे बैंक निफ्टी पे क्या असर पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशान एनलिस्ट में। और इस पूरे वीडियो को मैंने 4 भाग में बांट दिया है। पहला है करंट सिनेरियो की अभी एग्जैक्टली क्या सिनेरियो चल रही है और अभी जो डिफरेंट जो बैंक शेयर्स में रैली आ रही है वो क्यों आ रही है। तीसरा हम लोग जो देखेंगे वो ये कि पिछले एक साल में निफ्टी के अर्निंग में क्या बदलाव आया है और चौथा ये कि अभी ग्लोबल सिनेरियो क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का जो पहला पार्ट है वो है करंट सिनेरियो। सो करंट सिनेरियो के लिए मैंने क्या किया है कि सारे बैंक्स को मैंने एक जगह पर लिख लिया है। ऊपर में मैंने प्राइवेट सेक्टर बैंक को रखा है, नीचे में मैंने पब्लिक सेक्टर बैंक को रखा है। यहाँ पे मैंने उसे उसके करंट मार्केट प्राइस को यहाँ पे डाल दिया है और 52 वीक उसका जो हाई प्राइस है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने डिफरेंस दिखाया है कि दोनों करंट मार्केट प्राइस और 52 वीक हाई प्राइस के बीच में कितना डिफरेंस है। अब मैं देख सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 19 प्राइवेट सेक्टर बैंक में से अप्रोक्सीमेटली 10 ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपने 52 वीक हाई प्राइस को या तो पिछले 1 वीक में क्रॉस कर चुके हैं या तो क्रॉस करने वाले हैं। और जब मैं पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करूंगा तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक में से 7 ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिन्होंने अपने 52 वीक हाई प्राइस को पिछले 1-2 हफ्ते में तोड़ा है और अभी उनका जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा 52 वीक हाई प्राइस जो है उनके पास में चल रही है। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ कि ये जो रैली आई है बैंकिंग सेक्टर में वो क्यों आ रही है। सो उसे जानने के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने जी कॉलम में मैंने सितंबर 22 के जितना भी ईपीएस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और एल कॉलम में मैंने सितंबर 22 को कंपेयर किया है लास्ट ईयर सितंबर 21 से और एम कॉलम में मैंने कंपेयर किया है इस सितंबर 22 के रिजल्ट को जून 22 के रिजल्ट से। और मैं ये देखता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली सारे बैंक्स जो है वो पॉजिटिव में आए हैं और उनका ग्रोथ हुआ है, चाहे वो ये सितंबर से ये सितंबर क्वार्टर का कंपैरिजन लीजिए, चाहे ये सितंबर का लास्ट जून से अगर आप कंपेयर कीजिए, तो भी हर जगह पे आपको यहाँ पे ग्रोथ दिखा है। मैं स्टार्ट करता हूँ आईडीबीआई बैंक से। तो आईडीबीआई सितंबर 21 वर्सेस सितंबर 22 में 1.41% है। मैं अगर साउथ इंडियन बैंक पे आ जाऊँ तो ये अप्रोक्सीमेटली 94% का ग्रोथ है सितंबर टू सितंबर, और सितंबर टू जून में 220% का ग्रोथ है। इसी तरह से मैं देखता हूँ कि हर एक बैंक जिनका भी रिजल्ट अभी आ चुका है वो सब ग्रोथ में है, सिर्फ एक दो बैंक को छोड़ के, जैसे यस बैंक हुआ, बंधन बैंक हुआ, ये दोनों अपने नेगेटिव रिटर्न में है। इनके अलावा बाकी सारे बैंक जिन्होंने अभी तक अपने रिजल्ट को डिक्लेयर किया है वहां पे देखा जा रहा है कि इनका पॉजिटिव ग्रोथ है। दूसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात हुई है एनपीए, और यहाँ पे मैंने एनपीए मेंशन किया है। तो एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जितने भी एनपीए मुझे अवेलेबल मिले थे screener.com पे, मैंने वहां से उनके सारे एनपीए को ले लिया है और मैं देख रहा हूँ कि जितने भी एनपीए अवेलेबल है, जैसे कि यस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, आरबीएल बैंक, ये सब में इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे फेडरल बैंक का एनपीए 0.96% था, वो अभी घट के मात्र 0.82% हो गया है। इंडसइंड बैंक 0.67 से 0.61 हो गया है। और उसी तरह से पीएसयू बैंक में भी बहुत ज्यादा एनपीए में गिरावट आई है। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ले लीजिए तो 3.93 से 2.95 हो गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 0.88 से 0.68 हो गया है। कैनरा बैंक 2.48 से 2.19 हो गया है। और जिनका रिजल्ट अवेलेबल नहीं है वहां पे ये डेट मेंशन है। तो अगर आपको ये शीट चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम इसे आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देंगे। अब ये आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे, लास्ट 1 ईयर के बैंक निफ्टी के एनालिसिस। तो लास्ट 1 ईयर के बैंक निफ्टी का अर्निंग का एनालिसिस के लिए मैंने क्या किया है, मैंने बैंक निफ्टी के पी बाई ई को मैंने डाउनलोड किया। अब मैं बता दूं मैं इसे डाउनलोड कैसे करता हूं। तो मैं इसे डाउनलोड करने के लिए निफ्टी पी बाई ई पहले गूगल पे सर्च मारता हूं, ये शीट आ जाती है। यहाँ पे मैं निफ्टी 50 की जगह पे निफ्टी बैंक चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पिछले एक साल से, यानी 2021 1 नवंबर से लेके मैं अभी तक का जो डेट है 30 अक्टूबर, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सारा डेटा जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ।
डाउनलोड करने के बाद मैंने इसे एक्सेल शीट में यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और उस दिन का बैंक क्लोजिंग भी मैं उसी तरह से डाउनलोड करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी के क्लोजिंग को अगर मैं उसे उसके पी बाई ई से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे बैंक निफ्टी का अर्निंग मिल जाता है। सो ये है मेरा बैंक निफ्टी का अर्निंग। ये भी शीट अगर चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं हम लोग आपको ये शीट फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। अब ये बैंक निफ्टी का जो अर्निंग है उसे अगर मैं जब मैं प्लॉट करता हूं तो ये देखिए, अब यहां पे ये जो रेड वाली जो चार्ट बन रही है ये एक्चुअली बैंक निफ्टी के प्राइस का चार्ट है, लेकिन ये ग्रीन वाला जो चार्ट है ये एक्चुअली में बैंक निफ्टी के अर्निंग का चार्ट है। सो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो बैंक निफ्टी का जो अर्निंग का जो ग्राफ है ये बहुत ज्यादा ऊपर है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी के ग्राफ का। सो आज नहीं तो कल इसे मैचिंग करना ही होगा और ये इसको ऊपर बढ़ना ही होगा। सो आज नहीं तो कल ये बैंक निफ्टी को ऊपर जाना ही होगा। सो अगर डिफरेंट बैंक्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करती है, अपना अर्निंग को बढ़ाती है, तो ऑब्वियसली है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा ही जाएगा और आज नहीं तो कल इस अर्निंग के ग्राफ को मैचिंग होगा ही होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं करंट ग्लोबल मार्केट सिनेरियो की। तो हम लोग यूएस मार्केट को बात करते हैं, तो यूएस मार्केट में सबसे पहले हम लोग डाउ जोन्स को ले लेते हैं। सो डाउ जोन्स का अगर हम लोग एक साल का ग्राफ लगाएंगे, सो यहाँ पे जो उसने लो बनाया था, सो उनका जो लो है वो है 28,660 और अभी है 32,861। यानी राइट नाउ अभी डाउ जोन्स अपने ऑल टाइम से अभी अप्रोक्सीमेटली 14.65% जो है वो ऊपर चढ़ चुका है। सो आई थिंक करेक्शन खत्म हो चुका है, अब ये मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। इसी तरीके से अगर हम S&P 500 को ले लें तो ये अपने लो से, जो कि इनका लो है 3491, वहां से अभी ये 3901 पे चल चुका है, यानी 11.7% की रैली आ चुकी है अपने लो पॉइंट से। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे ग्लोबल मार्केट भी ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि शायद यहाँ पे डाउन जो होना है वो खत्म हो चुका है और अब मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। सेम सिचुएशन नैसडैक का भी है। नैसडैक को भी अगर हम एक ईयर के ग्राफ में देखेंगे तो लो से ये अप्रोक्सीमेटली 10% जो है वो ऊपर चढ़ चुका है। सो आइए समराइज करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हमने ये देखा कि बैंक के सारे रिजल्ट्स जो है वो काफी अच्छे आ रहे हैं। बैंक के NPA जो है, बैंक के सारे NPA वो डिक्रीज हो रहे हैं, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है। ग्लोबल मार्केट भी अब लग रहा है कि थोड़ा रिवाइव कर रहा है। और हमने ये भी देखा कि बैंक निफ्टी पिछले एक साल में अर्निंग जितना ग्रोथ हुआ है उतना ही ग्रोथ बैंक निफ्टी का नहीं हुआ है। सो कभी ना कभी इस अर्निंग को बैंक निफ्टी कैचअप करेगी, और जब ये कैचअप करेगी तो बैंक निफ्टी का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।